अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त सारे संग अल्लाह ताला के फजल करम से आज व्लॉग शुरू करते हैं। आज ही हम आए हुए हैं फातिमा जनाब पट्टो पार। ये मंगला डैम के बिल्कुल किनारे पे वाक़ है और मीरपुर शहर शुरू होने से पहले ही ये पार्क बनाया गया है। ऊपर आकर सबसे पहले जो नज़ारा आता है ना, वो ये मंगला डैम का आता है। मंगला डैम देखिए माशाल्लाह इतनी आबोताब के साथ ऊपर आ रहा है और ये वो नीचे भाई आ रहे मोटरसाइकिल पे। ये भी ख़त्म हो जाएगा अभी भी ये चलते हैं। ये देखिए बड़ा सिंगा, इसके भी सिंग टूटा हुआ है। ये जिंटरस ये देखिए माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। दोनों तरफ उन्होंने पौधे लगाए हैं और वो सामने कुछ शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पर खाने पीने की कुछ चीज़ें रखी गई है। प्लास्टिक ये चीज़ें गई हैं, साथ में ये लाइटिंग ठीक है। जब रात को ये बलती हैं बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। धूप है और साथ में ठंडी हवा चल रही है। मंगला डैम के किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं तो ये ऊपर चलते हैं और जाके मंगला डैम का जो ना वो खूबसूरत नज़ारा करते हैं। ऊपर देखते हैं क्या क्या उन्होंने रखा हुआ है। ये देखें हवा चल रही है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा खूबसूरत मौसम मिलता जा रहा है। अल्लाह करे बारिश भी हो जाए, गर्मी की शिद्दत और कम हो जाएगी। ये जी सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, साथ में ये बाबा शेड भी एक इन्होंने प्लास्टर का लगाया हुआ है। आए इधर बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय करें और सामने मंगला डैम का खूबसूरत नज़ारा रखें। ये जी बाबा शेड, इसका क्लोज नज़ारा करवा रहे हैं, इसके पांव के नीचे बाल लेके माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मौसम बन गया। हवा चल रही है, बारिश हो जाएगी तो क्या बात मज़ा आ जाएगा। ये देखें काफ़ी ज़्यादा ना खूबसूरत पार्क है बच्चों के लिए ख़ास करके। जी तो इस वक्त हमारे पीछे है डायनासोर। ये देखें इसकी ना बहुत बड़ी गर्दन हुआ करती थी पर इस ये भी नायाब हो चुके हैं। ये देखें एकदम धूप थी और एकदम जो है ना वो बादल आ गए आए और ठंडी हवा, बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा पार्क है, कुछ झूले हैं वो भी आपको दिखाते हैं और फिर और जो चीज़ें होंगी वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो अभी जी नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। ये सामने देख सकते हैं ये पार्क है, इसके भी पास अभी जाने की कोशिश करते हैं किसी तरह। पा
वीरपुर एडवेंचर पार्क में भी हम जा रहे हैं। सबसे पहले वेलकम किया जाता है टक शॉप से, पीछे प्ले एरिया और वो आपकी दूसरी बच्चों के लिए जाना वो कार जो आपस में टकराती हैं, बाकी ये सारा कुछ। सबसे पहले तो ये झूला है, ये तो उधर दीना पे भी मिल जाता है और एक और भी पार्क है उसमें, और आगे वो देखें वो सामने जो है ना वो गाड़ी है, ठीक है, जैसे एक दूसरे के साथ टकरा देती है। ये हवाई जहाज, ये बच्चों के लिए पिंग, ये भी देखें ये कार्ड वगैरह, ये पिंग और झूला, ये ऐसे जो है ना वो गोल गोल घूमता है माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत जो है ना वो इधर पौधे भी लगाए गए हैं। सबसे मेन जो है ना वो ये बड़ा झूला है, ये वाला झूला जो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा झूला है, अक्सर मज़ा भी आता पर लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं। ये जिस जो पीछे भी ये दिखाई है स्विमिंग है, ये देखें ये घोड़ा और साथ में ये पीछे ट्राली सी लगाई हुई है, ये सामने टिकट गाड़ा है, ये किश्ती रानी है और वो सामने कप, एक बड़ी पिच है उसके साथ छोटे कप हैं, ये ऐसे घूमते हैं, ये बड़ा झूला। और नीचे भी थोड़ा सा है कुछ, और नीचे दो घोड़े इन्होंने बांधे हुए, एक ऊँट भी बांधा हुआ है, और मौसम भी लाजवाब हो गए। तो ख़ास जो बात है ना वो ये है कि चलने वाले वालों के लिए इन्होंने ख़ास ट्रैक एक बनाया हुआ है। पार्क है बहुत ज़्यादा नीचे है, वो देखें ऊपर चढ़ाई है, चढ़ाई नीचे उतर के ये पार्क आ जाता है, और ऊपर जाते जाते वैसे बंदे की बस हो जाती है, तो पार्क ऊपर होना चाहिए था। ऊपर चलें, जो उनकी मर्ज़ी थी उन्होंने बना दिया, ये देखें माशाल्लाह। अभी जी ऊपर आए हैं, ऊपर से आपको नज़ारा करवाते हैं, ये देखें ज़रा सामने, ये खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए पीछे कुछ शॉप्स भी हैं। शॉप्स में सबसे पहले बच्चों के लिए खिलौने हैं, आइसक्रीम है, गोल गप्पे हैं, और सामने फिर है आइसक्रीम वाली शॉप आ गई। तो खाने पीने के जो शौकीन हैं उनके लिए बड़ी खूबसूरत और अच्छा पार्क है, आएँ या झूले झूले लें, इंजॉय करें। वो देखें वो जो ट्रेन है, वो जो अभी ट्रैक आपको दिखाया इस पर यह ट्रेन चलती है। ये जी इन्होंने दुआ मांगने वाले हाथ भी लगाए हुए हैं, इसमें मेरे ख्याल लाइटिंग हुई है नीचे, ये देखें ये लोहे के इन्होंने बनाए हुए हैं, और ऊपर ये इसमें भी ना लाइटिंग हुई है, तो ये चीज़ें रात को मज़ा देती हैं। अभी उस तरफ एक है प्लास्टर का हाथी इन्होंने लगाया हुआ है, उसके पास जाते हैं और फिर उधर से घर की तरफ रवाना। प्लास्टर का हाथी है ये माशाल्लाह, ये तो अभी ये मौजूद है, वो नीचे भी
कुछ झूले हैं बच्चों के लिए जो उन्होंने लगाए हुए हैं, उधर भी बच्चे आके इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पौधे वगैरह लगाए हैं उन्होंने इस पार्क में, तो पौधे लाजमी लगाएं, घर में लगाएं जहाँ पे आपकी ज़मीन है या जो भी जगह है पौधे लाजमी लगाएं, क्योंकि पानी की बहुत है, पानी की भी जो है ना वो मसला हो रहा है और साथ साथ में गर्मी की जो शिद्दत है वो भी बढ़ी है। ये देखें माशाल्लाह उन्होंने ये खूबसूरत घोड़े लगाए हुए हैं फ्रेम करके, ये सामने देखें, ये वो सामने हवाई जहाज वो देखें जनाब माशाल्लाह, ये भी देखें। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये छोटा सा पार्क जो है ना वो जो टूर है इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। ये देखिए माशाल्लाह तबारक रहमान, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जी इसको एक दफ़ा देख लें, निक्की माउस हाउस और वो सामने मंगला डैम।